is possible. We make it work. साथियों नमस्कार, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों का इस 8 कदम में स्वागत करता हूं। आज हम बातें करेंगे क्या है ये पावर 8 के दम की, जहां से बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदली, बहुत सारे लोगों ने अपने वंश का इतिहास लिखा, बहुत सारे लोग जो एक आम सोच से, आम परिवार से, और आज उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी को खास बनाया, इसी चीज़ पे आज आने वाले 1 से 1.5 घंटे में हम कुछ बातें करेंगे और पावर जानेंगे कि क्या है ताकत इस 8 कदम की। आज का जो ये दिन है ये एक सक्सेसफुल डे है, इस डे को हम कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाएंगे। बहुत अच्छा आज फील होगा आपको। बस इसके लिए 2-3 मेरी रिक्वेस्ट हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस वीडियो को जब भी हम देखना शुरू करें तो हमको पूरा देखना है और पूरा सुनना है, क्योंकि आधी अधूरी चीज़, आधा अधूरा ज्ञान कभी भी हमें बड़ी सफलता पे नहीं लेके जाता। माना कि थोड़ा सा लंबा होगा, सफलता भी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी सफलता लेनी है हमें, बहुत बड़े अचीवमेंट लेने हैं, ज़िंदगी को खास बनाना है, तो इसके लिए थोड़ा सा तो वक्त निकालना पड़ेगा। हर जगह हम वक्त निकालते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। इस 8 कदम की ताकत को जानते हैं, पहचानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलते हैं दोस्त उस सफलता की दुनिया में जहां पे बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। लेकिन कुछ भी मैं बात करूं उससे पहले मैं धन्यवाद दूंगा उस ईश्वर का जिन्होंने इंसान बनने का मौका दिया, अपने पेरेंट्स का धन्यवाद जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे ग्रेट आदर्शों का जिन्होंने एक आम इंसान को खास बनाया। 2 मिनट में मैं मेरे बारे में थोड़ा परिचय दूंगा। योगेश यादव मेरा नाम है। इस बिजनेस में आने से पहले सिंपल ग्रेजुएशन कर रहा था। 10 पीढ़ियों में कभी किसी ने 10वीं क्लास पढ़ाई नहीं करी। पिताजी मजदूरी करते थे। मजदूरी करते करते उनका एक सपना था कि हम अच्छी मेहनत करके हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएं, अच्छी शिक्षा दे पाएं, और जैसा कि हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी जो संतान है वो अपने माँ बाप के सपने को पूरा करें। उस सपने को पूरा करने के लिए हम निकले थे। उनका बचपन से ड्रीम था, स्टार्टिंग से जब हम छोटे थे तब से उनका ड्रीम था कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करा के हम लोग टीचिंग लाइन में जाएं। बार बार मैं उनके मुंह से सुनता था कि बेटा एक बार टीचर बन गए तो अपने परिवार का जो उद्धार है वो हो जाएगा, और निकल पड़े हम। बचपन से सपना एक कि टीचिंग में जाएंगे, टीचर बनेंगे, लगातार पढ़ाई करते रहे। अव्वल स्टूडेंट था मैं। जब भी घर जाता पापा जी एक ही बात बोलते, बेटा जो पढ़ाई हम आपसे करवा रहे हैं आपको ये याद रखना है आपका पर्पज क्या है, क्योंकि वो बहुत ही जबरदस्त मेहनत करते थे। पत्थरों में अपना 25-30 साल का वक्त उन्होंने गुजारा। शायद मैं यही सोचता हूँ कि जब भी उनको पसीना आता होगा तो उस टपकती हुई बूंद के पीछे उनको एक ही ख्याल आता होगा कि ये जो बूंदे हैं ये एक बार जब हमारी संतान सफल हो जाएगी तो इनकी कीमत जो है वो पूरी हो जाएगी। हर माँ बाप यही चाहता है। निकल गए उस दुनिया में, टीचिंग लाइन की दुनिया में। 2005 की बात है, ग्रेजुएशन फाइनल का मैं स्टूडेंट था। वक्त जब बदलता है, समय जब आता है, पूरा माहौल चेंज हो जाता है। अनजान लोग, अच्छी तैयारी थी, बढ़िया 3-3 लिटरेचर के साथ, हिंदी इंग्लिश संस्कृत के साथ बढ़िया पढ़ाई कर रहे थे, अचानक से आ गए और बताने लगे कि भैया ये करके ऐसे ऐसे करके जिंदगी बदल जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन तक बहुत सारी कंपनियों को हमने देखा था, बहुत सारे
ऐसे यार दोस्तों को देखा था जिन्होंने अपना समय और पैसा नेटवर्किंग में लगाया था, लेकिन कोई खास सफलता मिली नहीं। और आदमी का जो एटीट्यूड है वो डेवलप उसी तरह से होता है जिस तरह के वो माहौल में रहता है, जैसे वो एजुकेशन लेता है, जिस तरह का एक्सपीरियंस वो देखता है, उसी तरह उसके दिमाग में पिक्चर बनती है। और वही पिक्चर हमें बनी थी कि नेटवर्किंग में सिर्फ जिनके पास टाइम है और कुछ काम करने को लिए है नहीं, तो वो इस तरह के काम में आ जाए और अपना समय और पैसा बर्बाद करे, टाइम पास अच्छा हो जाता है। इग्नोर कर दिया था, सोमवार का दिन था, ईश्वर की कृपा हुई और ज्वाइनिंग ले लिया। कहानी बहुत बड़ी है, आज बातें कुछ और करनी है, बस सीधा टॉपिक पे लेके आता हूं। वक्त की नजाकत यह है, जब वक्त चाहता है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, रास्ता बिल्कुल अलग आया। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को मैंने यहां सफलता लेते हुए देखा था जिनकी एजुकेशन बहुत कम थी, जिनका बैकग्राउंड बहुत खराब था। ऐसे लोगों को जब अपनी आंखों से लगातार मैंने सफलता लेते हुए देखा तो मुझे लगा कि जब ये लोग सफलता ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकता। हो गई शुरुआत, निकल पड़े उस दुनिया में और जैसे ही पहुंचे मिले इस बिजनेस के दिग्गजों से, लंबी चौड़ी पर्सनालिटी, वेल एजुकेटेड, बढ़िया पढ़े लिखे, मेरे ग्रेट गुरु श्री देवेंद्र शर्मा जी से जब मेरी मुलाकात होती है तो वहां उस पर्सनालिटी से मिलने के बाद उनकी बातों में जो जादू मैंने सुना समझा, उसके बाद मुझे लगा कि जब यार ये इंसान एक सोच के साथ इस बिजनेस में आया हुआ है और जब ये इंसान हमारे साथ है तो इसका मतलब यह है कि हमारी भी जिंदगी शायद बदल जाएगी। भरोसा करना आसान नहीं था क्योंकि बहुत सारे फेलियर्स को देखा था, सवाल बहुत सारे थे क्योंकि जानते कुछ थे नहीं। जब भी हम किसी इंडस्ट्री में होते हैं तो सवाल ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो ही जाते हैं। मेरा पहला एक ही सवाल था कि क्या सर ये कंपनी चलेगी। दूसरा सवाल मेरा एक था कि सर क्या यहां से अचीवमेंट लोग ले रहे हैं, क्योंकि जिस अचीवमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिन सपनों की तरफ हम बढ़ेंगे, तो उन सपनों को हम अपना तभी पूरा कर सकते हैं जब उस इंडस्ट्री से बाकी लोगों ने अपने सपने पूरे करे हों। देखा बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े अचीवमेंट लिए और एक ही बात दिमाग में, जब ये लोग ले सकते हैं तो हम भी ले सकते हैं। तो दोस्त, धन्यवाद दूंगा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को, उन ग्रेट मेंटर्स को जिनकी सोच ने, जिनकी संगत ने, जिनके विचारों ने योगेश यादव की जिंदगी को बदला। ऐसा बोला जाता है 80% वक्त जिन लोगों के साथ हम बिताते हैं, जिन लोगों की संगत में हम लोग बिताते हैं, जिन लोगों के सानिध्य में हम लोग बिताते हैं, जिंदगी हमारी उसी तरह की बन जाती है। जैसे ही यहाँ इस बिजनेस में मैं आया तो ऐसे ऐसे लोगों की मेरे साथ संगत थी जो लोग 2-2 लाख रुपए हफ्ता कमा रहे थे, बड़ी बड़ी इनकम थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी। उन लोगों की संगत में जब गए तो लगा कि इन लोगों की जिंदगी में जब खुशियां आई है, मान सम्मान आया है, सिक्योरिटी है, संपन्नता है, तो इसका मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी उस चीज को अचीव करेंगे, क्योंकि रास्ता सेम था। निकल पड़े। जैसे इस बिजनेस में मैं आया तो सबसे पहले मेरे ग्रेट गुरुजी ने एक सवाल किया कि मिस्टर यादव, आप इस बिजनेस में आए क्यों हैं? इस बिजनेस में आने का पर्पज क्या है? पर्पज मेरा बिल्कुल क्लियर था। क्यों क्लियर था? क्योंकि पिताजी ने मजदूरी करी है, उनका सपना था कि कैसे न कैसे करके सफलता चाहिए। हाँ, ना उन्होंने ये मुझे बोला कि लाखों रुपया कमाना है, ना लाखों रुपए कमाने के लिए इस बिजनेस में मैं आया था, क्योंकि सोच नहीं थी। सोच कहां से आती है? संगत से आती है। संगत अपनी कैसी थी? जो आदमी 100 रुपया कमा रहा था, 200 रुपया कमा रहा था, 500 रुपया कमा रहा था, उसी संगत से हम निकल के आए। लेकिन जैसे ही बड़ी संगत में गए तो पहला सवाल उन्होंने किया कि आपका ड्रीम क्या है, पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, इस बिजनेस में आने का कारण क्या है। तो मेरा कारण सिंपल एक था कि मैं 5-10 हजार रुपए इस बिजनेस से कमाऊं और मैं मेरी आगे की एजुकेशन को अच्छे से तैयार कर पाऊं, अच्छे से, क्योंकि मैं एक लेक्चरर बनना चाहता था और पिताजी जो है अपनी मजदूरी से मेरी पढ़ाई लगातार करा नहीं पा रहे थे, ये बात मैं समझता था। छोटे छोटे सपनों को लेके आया, स्टार्टिंग से ड्रीम बनाना शुरू किया, लगातार काम करना शुरू किया, लगातार आगे बढ़ते गए। जब इस बिजनेस को देखा था तो लगा था बिजनेस बहुत आसान है। लोगों के पास गए, लोगों को बताना शुरू किया अपने तरीके से, जैसे कि हर आदमी गलती करता है,
अपने तरीके से बताना शुरू किया। 6 दिन के अंदर अंदर ये तय कर लिया कि इस बिजनेस को नहीं करना, क्योंकि सारे तरीके मेरे थे, एक्सपीरियंस मेरे पास कुछ था नहीं, और अपने तरीके से जो है मैं इस काम को करने लग गया था। जैसे ही मैं टूटा, दोबारा से मेरे ग्रेट गुरु श्री देवेंद्र शर्मा जी ने मुझे बुलाया ताजमहल दिखाने के लिए। बोला आप ताजमहल आओ, दिखाएंगे आपको और कुछ बातें करेंगे। दोबारा चला गया। जैसे मैं वहां गया तो सर ने एक ही बात बोली, योगेश जी सच में बताओ आप इस बिजनेस में आए क्यों। उन्होंने रियलाइज कराया कि यदि आप इस बिजनेस में छोटे छोटे सपनों के लिए यदि आए हैं, छोटे छोटे काम करने के लिए यदि आप आए, छोटे ड्रीम पूरे करने के लिए आए हैं, तो छोटे ड्रीम यदि आपके हैं तो काम जब आपको बड़ा मिलता है और सपना जब छोटा होता है तो बड़ा काम करने की हिम्मत नहीं मिलती आदमी को। जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा काम करने की हिम्मत मिलती है। ड्रीम जब बड़ा होता है तो काम भी आदमी बड़ा करता है, ड्रीम जब छोटा होता है तो काम भी आदमी छोटा करता है। पहली बार मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब बाकी लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली है, बाकी लोग बड़े बड़े अचीवमेंट ले रहे हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकता। तो शुरुआत हुई, सबसे पहले मैंने मोबाइल का ड्रीम बनाया। उस दिन से लेकर आज तक लगातार हर साल बेस्ट मोबाइल, वर्ल्ड का नंबर 1 मोबाइल तक का ड्रीम बना के आज हर 18 जनवरी को मैं लगातार अपने जन्मदिन के ऊपर वर्ल्ड का नंबर 1 मोबाइल अपने आप को मैं हर साल गिफ्ट करता हूँ। लैपटॉप की बात आई, फास्ट टेक्नोलॉजी से लैस मुझे मशीन चाहिए थी। सेलरन प्रोसेसर SCL से मैंने स्टार्ट किया था, आज मैकबुक प्रो सबसे फास्ट टेक्नोलॉजी की जो है मशीन यूज करता हूँ। बाइक की बात आई, बाइक का कोई ज़्यादा बड़ा ड्रीम नहीं बनाया मैंने, क्योंकि बाइक 5 फीट का आदमी बाइक चलाएगा भी तो क्या चलाएगा, पैर टिकते नहीं है। कैंची मार चला के साइकिल सीखी थी, तो बाइक का ड्रीम ज़्यादा बनाया नहीं। इस बिजनेस में बाकी लोग कार ले रहे थे तो हमने भी ड्रीम बना लिया, चलो भैया कार लेंगे। पहला गाड़ी का ड्रीम बनाया 2008 में, i10 गाड़ी ड्रीम में आई, उस गाड़ी को लिया। जैसी गाड़ी को लिया तो सर ने बोला बेटा पहली गाड़ी से काम चलेगा नहीं, अगली गाड़ी का ड्रीम बनाओ, क्योंकि ड्रीम होगा तो काम करोगे, ड्रीम होगा तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो इसी गाड़ी के अंदर जो है अपनी जिंदगी गुजारोगे। बहुत सारे लोग अगला ड्रीम बनाते नहीं है, दैट इज वाई आगे वो जा नहीं पाते। दूसरी गाड़ी का ड्रीम बनाया, दूसरी गाड़ी का ड्रीम बनाया एसेंट का, एसेंट गाड़ी 6.5 लाख रुपए की ली। दूसरी गाड़ी लेने के बाद सर ने फिर बताया अगली गाड़ी का ड्रीम बनाओ, अगली गाड़ी का ड्रीम बनाया, टॉप मॉडल 18 लाख रुपए का होंडा सिविक, वो गाड़ी लिया। फिर गाड़ी का ड्रीम बनाया, अगली गाड़ी कौन सा, चौथी गाड़ी का ड्रीम बनाया। चौथी गाड़ी मैंने लिया BMW X5, टॉप मॉडल 92 लाख रुपए। जैसे ही मैंने BMW गाड़ी लिया फिर सर ने बोला अगली गाड़ी का टारगेट क्या है, तो अगली गाड़ी का भी मेरा टारगेट बिल्कुल क्लियर है, वो वक्त आने पे हम आपको बताएंगे। और बहुत सारे ड्रीम, फॉरेन ट्रिप की हम बात करें, मकान की हम बात करें, प्रॉपर्टी की हम बात करें, और विस्तार से हम डिस्कस करेंगे जब ड्रीम्स का पार्ट आएगा। बहुत सारे ऐसे सपने, आज सेफ शॉप की बदौलत जितने भी सपने बनाए थे एक भी ऐसा सपना नहीं है जो 2018 तक हमने सोचा हो, विचार किया हो और वो पूरा नहीं किया। अब हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है कि इस बिजनेस को करना क्यों है और करना कैसे है, 2 इंपॉर्टेंट बातें। और आज हम जो बातें करेंगे वो हम हाउ पे करेंगे, इस बिजनेस को करना कैसे है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी बदौलत लोग बहुत तेजी से ग्रोथ ले पाए, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो जिंदगी में घटी और उन घटनाओं के बावजूद एक आदमी गिर गया और एक आदमी उठ के और दोबारा से आगे बढ़ गया। तो दोस्त 2 बातें हैं, एक बात है वाई और दूसरी बात है हाउ। वाई का जो काम है वो 95% रोल अदा करता है वाई। यदि 95% जो ताकत है वो एक्चुअल में कारण में है, यदि हमारे पास कारण नहीं है तो हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। और 5% का जो रोल है वो है हाउ का। हाउ यानी काम को कैसे करना है। जब हमको ये पता चल जाए कि हमें करना क्यों है तो कारण आपको कोई भी बता देगा, किस तरह से आपको करना है वो सब आपको पता चल जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है इस काम को करना क्यों है, जिसका रोल 95% है और 5% रोल है।
और गरीब आदमी तो विशेषकर, उसको पैसे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि आज सारे काम जो होते हैं वो पैसे से होते हैं। तो दोस्त, एक्स्ट्रा इनकम मुझे चाहिए थी, टाइम फ्रीडम मुझे चाहिए था, कार चाहिए थी, मोटरसाइकिल चाहिए था, अच्छा फैमिली को जो है मैं टाइम दे पाऊँ, ये सब चीज़ें मुझे चाहिए था। इसके अलावा छुट्टियाँ बिताने का हर आदमी सपना देखता है, लेकिन छुट्टियाँ बिता कहाँ पाता है बेचारा, वक्त ही नहीं है। तो हिंदुस्तान में, इसके अलावा विदेशों में, सर लोग बोलते थे कि भैया विदेशों में भी जा सकते हो। तो दोस्त, हर आदमी चाहता है कि बड़ी सफलता मिले, बड़ी खुशियाँ मिले। वो सारी खुशियाँ मैंने सेफ शॉप के अंदर से देखी थी। पीस ऑफ माइंड, शांति चाहिए दिमाग में, जो कि आज लोगों के 99% जो है, टाइम मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, लेकिन शांति नहीं, जो ये बिजनेस देता है। इसके अलावा हम बात करें बच्चों को अच्छे एजुकेशन, जो कि इस दुनिया के 95% लोग नहीं दे पाते। हर आदमी का सपना तो होता है कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन दिला नहीं पाते क्योंकि पैसे नहीं है। तो अच्छे एजुकेशन बच्चों को दिलाना चाहता था, रॉयल्टी इनकम की काम लगातार चलता रहे, और एक दिन ऐसा आए कि अपन काम नहीं भी करें तो पैसा आता रहे। आज ट्रेडिशनल मार्केट में जब तक हम काम करते हैं तब तक पैसा मिलता है, काम करना बंद पैसा आना बंद। तो रॉयल्टी इनकम भी चाहिए थी, जो यहाँ से 2 लाख रुपए आती थी। ये ड्रीम भी देखा, निकल पड़े। रेस्पेक्ट, सम्मान हर आदमी चाहता है, मैं भी चाहता था कि लोग मेरा सम्मान करें, हिंदुस्तान में अपनी भी कुछ पहचान हो, अपना भी कुछ नाम हो, वो रेस्पेक्ट में चाहता था, इसलिए इस बिजनेस को किया। बहुत सारे कारण हैं, आज हम कारण पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे इस काम को करना कैसे है। अब सीधा हम टॉपिक पे आते हैं, व्हाट टू डू, करना क्या है। तीन चीज़ों पे ये बिजनेस चलता है। सबसे पहली चीज़, जब हम बिजनेस को करने के लिए उतरते हैं तो दोस्त, एक्साइटमेंट का सबसे बड़ा रोल है। जब हम इस बिजनेस की ज्वाइनिंग करते हैं, यदि हमारे पास एक्साइटमेंट है, जोश है, जज्बा है, कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, तो एक्साइटमेंट से सामने वाला बंदे को लगता है कि भाई साहब बंदा में दम है, बंदा कुछ कमा रहा है, बंदे का विजन क्लियर है। बंदा के साथ यदि हम जिंदगी लगाते हैं तो जिंदगी बेहतरीन बन सकती है। बहुत सारे लोगों को देखा है पब्लिक में जाते हैं, जोश ही नहीं, ठंडी ठंडी बात कर रहे होते हैं, भविष्य लगाने की बात होती है। भविष्य कैसे आदमी के साथ लगाया जाएगा, आपसे सवाल है मेरा। ढीला ढीला आदमी है, हाथ मिलाते हुए ऐसे हिला रहा है, भाई साहब क्या हाल है। एक आदमी हाथ मिलाता है एकदम, साला हाथ मिलाने के बाद लगता है कॉन्फिडेंस, यस। एक्साइटमेंट का रोल 90% है। फर्स्ट बार जब हम मिलते हैं किसी भी आदमी से, किसी भी पर्सन से, आपके जोश को देख के सामने वाले को लगता है कि भाई साहब कंपनी बहुत जबरदस्त है। फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। इसलिए पिछले लगातार जितना भी समय मैंने इस बिजनेस में दिया है, 14 साल का वक्त मैंने दिया है, पहले दिन से लेके आज तक, मेरी सफलता का सबसे बड़ा जो रोल है, एक्साइटमेंट। हमेशा एक्साइटेड रहा मैं, हमेशा। रात के 12 बजे भी यदि कोई आदमी मिलने आया, हाथ मिलाया, कॉन्फिडेंस के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, सबसे बड़ा रोल है। आपके पीछे जब लोग आते हैं और चलते हैं, तो चार पाई पे लेटे लेटे भी आदमी ये सोचता है कि यार कंपनी पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, आदमी बहुत जबरदस्त है। जब उस आदमी ने अपनी जिंदगी लगाई है तो चलो हम भी उसके साथ लगाते हैं। सबसे पहली चीज, एक्साइटमेंट में रहना है, जोश के साथ रहना है, कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। और कॉन्फिडेंस के साथ जब हम रहते हैं, 90% हमारी सफलता का रोल कंप्लीट हो चुका होता है। अब बाकी चीज क्या पड़ती है, 8% रोल है टेक्निक का, कला, वो सीखी जाएंगी। वक्त है, वक्त लगता है सीखने में। लाखों करोड़ों रुपए की हम बातें करते हैं, बहुत बड़ी जिंदगी बदलने की बातें करते हैं, 4 दिन में नहीं बदलेगी जिंदगी, टेक्निक्स है, सिखाएंगे हम। और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, दुनिया की नंबर 1 एजुकेशन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जिसने मुर्दों को जिंदा किया। आज हम बातें करेंगे उन टेक्निक्स पे, लेकिन टेक्निक का जो रोल है ना मेरे दोस्त, सिर्फ 8% है। जब आप पहली बार किसी से मिलते हो, कितनी टेक्निक भरी हो आप में, सामने वाले को थोड़ी ना पता है कि हम टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग है। टेक्निकली हमें एक ही चीज के बारे में पता है, वो तो धीरे धीरे जब हम उसके पास बैठते हैं, मिलते हैं, चलते हैं, जब वो हमें सुनते हैं,
यारी दोस्ती आगे बढ़ती है जब हम उसकी जिंदगी में उतरते हैं, वो हमारी में उतरता है, तब उसको पता चलता है बंदे में दम है। लेकिन पहला जो रोल है वो अदा करता है आपका एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का रोल सबसे ज्यादा है, हमेशा एक्साइटेड रहना है। टेक्निक 8% रोल है, 8% रोल टेक्निक का। सीखेंगे बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे, जो कि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है। 2% जो रोल है, 98% सफलता हो गई। अब 2% जो रोल है वो है फाइन ट्यूनिंग का। ये फाइन ट्यूनिंग क्या है? ये फाइन ट्यूनिंग वही है जैसे 1 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, टायर में हवा नहीं है, नहीं चल सकते। हवा का रोल क्या है? वही रोल फाइन ट्यूनिंग का है। फाइन ट्यूनिंग यानी आपकी अपलाइन के साथ आपकी फाइन ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके डाउनलाइन के साथ आपकी फाइन ट्यूनिंग क्या है, दूसरे लोगों के साथ आपकी फाइन ट्यूनिंग क्या है, बस में बैठे हो तो बस में कोई भी बंदा जब आपके साथ मिल रहा है तो उसके साथ आपकी फाइन ट्यूनिंग क्या है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, ये मेरी टीम का बंदा है इसके साथ मेरी फाइन ट्यूनिंग अच्छी है, दूसरी टीम का बंदा है उसके साथ फाइन ट्यूनिंग बढ़िया नहीं है, एक अपलाइन के साथ फाइन ट्यूनिंग बढ़िया है, दूसरी के साथ अच्छी नहीं है। फाइन ट्यूनिंग यदि हम बना के रखते हैं तो हमको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। आज यदि आप किसी दूसरे लीडर के साथ भी यदि आपकी फाइन ट्यूनिंग बढ़िया है, और यदि वो सपोज कीजिए वाराणसी में काम कर रहा है, आपकी बातचीत बहुत बढ़िया है, आप यहां बैठे हो दिल्ली में, दिल्ली से बैठे बैठे आप वाराणसी अपने बंदे से जो है उस भाई से आप मुलाकात करा सकते हो जिससे आपकी फाइन ट्यूनिंग बढ़िया है। फाइन ट्यूनिंग का बहुत बड़ा रोल है। फाइन ट्यूनिंग 2% है लेकिन काम ये 100% देती है। तो 100% का जो रोल है वो 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग, इनको हमको फॉलो करना ही करना है। अब हम बात करते हैं हाउ पे, इस बिजनेस को करना कैसे है। हजारों लाखों लोग इस बिजनेस में आते हैं, लंबी तादाद में आते हैं। 18 साल हो चुका है सेफ शॉप को, 18 साल एक लंबा सफर तय किया है कंपनी ने। 18 साल में लाखों लोग आए, समझ ही नहीं पाए ये बिजनेस है क्या। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को दो लोगों को जोड़ने का बिजनेस सोचते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं ज्वाइन हो गया तो लोगों को ज्वाइन करा दूंगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम समझेंगे। इसके अंदर सबसे पहली जो बात आती है, इस बिजनेस का रास्ता क्या है, पथ, PATH। ये जो पूरा रास्ता है ये 4 शब्दों पे टिका है, PATH, पथ। पथ यानी रास्ता। पी फॉर पैसेंस, धैर्य नहीं है लोगों में। आज मैं प्लान बताने गया, एक आदमी को प्लान बताया, उसने ना किया, दूसरे को बताया, दूसरे ने ना किया, तीसरे को बताया, तीसरे ने ना किया, चौथे को बताया, चौथे ने ना किया, पांचवे के पास जाते ही नहीं, क्यों? धैर्य जवाब दे गया। और विचार क्या करते हैं हम, सर ये काम नहीं होगा, हिंदुस्तान में तो कोई जुड़ता ही नहीं है। 4 लोगों के मना करने से 125 करोड़ लोगों के ऊपर पेंट कर दिया जाता है कि 125 करोड़ भी नहीं जुड़े। यदि पेशेंस रखा जाए, पांचवे के पास जाया जाए, छठवे के पास जाया जाए, सातवें के पास जाया जाए, आठवें के पास जाया जाए, नौवें के पास जाया जाए, एक दिन आएगा कि रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। ऐसा नहीं है, यदि रिजल्ट नहीं आता तो आज 18 सालों में लाखों लोगों का नेटवर्क बना है तो वो लाखों लोगों का नेटवर्क नहीं बनता। लेकिन बना किन का? जिन लोगों ने पेशेंस रखा, धैर्य रखा। एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही वो जवान नहीं हो जाता है, पेशेंस रखना होता है। अब कोई माँ बाप ये सोचे आज बच्चा पैदा हो गया, चलो भाई फटाफट 18 साल का हो जा, तुरंत बहू लेके आनी है, इतनी जल्दी बहू थोड़ी आ जाएगी। और बहू आ भी गई और माँ है 19 साल की और बहू आ गई 18 साल की, 19 साल की, तो क्या होगा? आप समझ सकते हो, पेशेंस का फायदा बहुत बड़ा है। टाइम टू टाइम सारी चीजें होगी, वक्त से पहले यदि हम जल्दबाजी भी करने की कोशिश करते हैं तो वो नुकसानदायक होती है। अब बात आती है कि सर करें क्या फिर, तो सिंपल बात है, सम विल डू, सम विल नॉट डू, सम विल कम, सम विल नॉट कम। कुछ लोग करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे भी तो जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमको उन तक पहुंचना है जो हमारा वेट कर रहे हैं। इसका बेस्ट तरीका है, मेरे ग्रेट नरसिंह ग्रेवाल साहब बोलते हैं, आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट। हमें 4 लोगों को यदि जिन्होंने मना किया उन 4 लोगों पे बैठ के अटकना नहीं है। जब हमें चलना लंबा है तो हमको रुकना नहीं है, लगातार चलते रहना है। जब हम रोड के ऊपर निकलते हैं गाड़ी लेके, 5 मिनट का जाम मिल जाता है हमको हाईवे पे, तो हाईवे पे जाम मिलता है तो हम क्या करते हैं, पेशेंस रखते हैं ना, वेट करते हैं ना, और जो वेट करते हैं रास्ता उनको मिलता है।
बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जल्दबाजी में आएंगे फटाफट फटाफट पी 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 रास्ता बंद खटाफट बैग गियर लगाएंगे दूसरे रास्ते के निकलने की कोशिश करेंगे दूसरे रास्ते पे जाएंगे पता चला परमानेंट जाम मिल गया उनको निकल ही नहीं पाते ऐसा बहुत बार होता है इसलिए बी पेशेंस पेशेंस फुली रखना 15 दिन प्रोडक्ट नहीं आया पेशेंस जवाब दे जाए सर कंपनी भगतों नहीं गई प्रोडक्ट नहीं आया सर मेरा प्रोडक्ट नहीं आया सर सर मेरा ही नहीं आया तो क्या गारंटी है दूसरे लोगों का आएगा बी पेशेंस कोरियर में भी अटक सकता है आपके सीनियर अपलाइन के पास पहुंच गया हो सकता है आपका सीनियर अपलाइन कंपनी से ले आया हो थोड़ा सा धैर्य रखना है काम लंबा करना है बिजनेस बड़ा करना है वंश का इतिहास लिखना है उसके लिए समय लगेगा बी पेशेंस धैर्य रखना है आगे की हम बात करें एवरेज की लोफ एवरेज काम करेगा 10 लोगों को प्लान बताओगे 8 लोग सुनने के लिए तैयार होंगे 7 आदमी उसके ऊपर थोड़ा मूड बनाएंगे नहीं बनाएंगे सोचेंगे नहीं सोचेंगे 3-4 आदमी उसके ऊपर डिसीजन लेंगे फॉर्म साइन अप करेंगे 1 आदमी फिर आपके साथ आगे चलने का निर्णय लेगा ये रेशो काम करेगा इस रेशो को लगातार हमको फॉलो करना है हम सोचें ये तो मेरे 10 आदमी 10 के 10 ज्वाइन होंगे तो आगे काम करूंगा ये 10 लोग ज्वाइन नहीं हुए तो मैं काम नहीं करूंगा मतलब हमारी जिंदगी सिर्फ 10 लोगों के ऊपर ही डिपेंड है 10 लोग ही हमारी जिंदगी तय करेंगे नहीं मेरे दोस्त जिंदगी रियल में यदि हमको बनानी है 10 लोगों को हमें प्लान बताना है आज उनको बात समझ आ रही है वेलकम नहीं समझ आ रही बहुत सारे लोग आपको देख के भाई साहब सफलता लेंगे आपको देख के ज्वाइन करेंगे उन्होंने बहुत सारे लोगों को फेल होते हुए देखा है आज वो हम पे भरोसा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि लोगों को सफलता लेते हुए नहीं देखा हमको जब वो सफलता लेते हुए देखेंगे हमको जब कार लेते हुए देखेंगे हमको फॉरेन जाते हुए देखेंगे हमको बड़ी सफलता के ऊपर जाते देखेंगे तो वो लोग डिसीजन लेंगे लेकिन जिस दिन वो लोग डिसीजन लेंगे ना दोस्त उस दिन उनको कोई नेगेटिव नहीं कर पाएगा बट वो कब आएंगे आफ्टर 1 ईयर आफ्टर 2 ईयर आफ्टर 3 ईयर जब आपके पास बड़ी इनकम होगी आपके पास बड़े अचीवमेंट होंगे पेशेंस रखना है और बड़ी इनकम बड़े अचीवमेंट कब आएंगे आज बिजनेस जो है ज्वाइन किया कल ही इनकम आ गई नो ऐसा नहीं होगा अपने को पेशेंस रखना है नंबर 2 A4 एटीट्यूड बहुत बड़ा रोल है एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है एटीट्यूड यदि हमारा खराब है तो उसको डेवलप करना है मैं ये नहीं कहूंगा कि एटीट्यूड खराब है तो आप इस बिजनेस को नहीं कर पाओगे क्योंकि एटीट्यूड परमानेंट नहीं है उसको जाना जा सकता है समझा जा सकता है कि हम किस स्तर के ऊपर हमारा एटीट्यूड है यदि हमारा एटीट्यूड बार बार किसी चीज को देख के बिगड़ता है बार बार हमारे मन में ज्वेलेसी की भावना आती है बार बार हम यदि हम दूसरे लोगों को सफलता को देख के यदि हम परेशान होते हैं हमको वहां अपने आप को करेक्शन करने की जरूरत है क्योंकि वो एटीट्यूड जो हमारा खराब हुआ हुआ है वो एक हमारी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है उसमें हमारी गलती नहीं है बचपन से जो चीज हम देखते आए हैं समझते आए हैं जिस माहौल में रहे हैं जिस परिवेश में हमारी जो डेवलपमेंट हुआ है जिस तरह के यार दोस्तों में हम लोग रहे हैं वहां से वो चीजें हमारे अंदर आई है तो जिस तरह से आई है वो उसी रास्ते से चली भी जाएंगी संगत बदलेंगे अपने साथ अवेयरनेस रखेंगे कि मैं हर चीज के अंदर अच्छाई ढूंढूंगा जैसे कि दूसरे लोगों ने अच्छाई ढूंढी है मैं भी अच्छाई ढूंढूंगा क्योंकि सफलता हर आदमी चाहता है बाकी लोग सफल हुए तो हम भी सफल हो सकते हैं मैंने अपना एटीट्यूड बदला मैं बहुत नेगेटिव एटीट्यूड का था क्योंकि मैंने किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में किसी को सफलता लेते हुए देखा नहीं था तो जब किसी को देखा ही नहीं तो मैं कैसे मान लूं कि भैया इस तरह के छोटे से काम को करके और लाखों रुपए की इनकम आ सकती है धीरे 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 मैंने अपना एटीट्यूड सुधारना शुरू किया 2-2.5 महीने तक मेरा प्रोडक्ट नहीं आया चेक बना तो उसमें स्पेलिंग गलत हो गई अकाउंट किसी नाम से खुलवा दिया सोचा कि यार अब ये इतने बड़ी बड़ी परेशानी आ रही है ऐसे तो इतने लोगों को परेशानी आएंगी कौन काम करेगा लेकिन फिर समझाया गया कि आपके साथ तकलीफ है बाकी लोगों के साथ तकलीफ नहीं होगी दूसरों से तकलीफ है सिंपल बात एक है दुनिया में ऐसी कोई तकलीफ नहीं बनी जिसका सोल्यूशन नहीं है इन बहुत सारे लोग तकलीफ का परेशानी का चैलेंजेस जब कोई आता है उसके समाधान की तरफ ना जाके और उस समस्या की तरफ जो है ध्यान देना शुरू कर देते हैं एटीट्यूड हमारा तभी खराब होना शुरू और एक बात और है एटीट्यूड ऐसा नहीं है कि समय तो परमानेंट ऐसा ही हो नो ये एटीट्यूड बिगड़ता कहां है जहां हमारा बस चलता है अपने परिवार के प्रति बिगड़ जाएगा जो डाउनलाइन बेचारी आज ज्वाइन हुई उसके प्रति बिगड़ जाएगा जिसने हमें ज्वाइन कराया उसके प्रति बिगड़ जाएगा कंपनी के प्रति एटीट्यूड नहीं बिगड़ेगा
बड़ा कोई आदमी मिल जाएगा उसके प्रति एटीट्यूड नहीं बढ़ेगा। आज जोड़ते जोड़ते घूमते हैं और सब कैसे हैं, बहुत बढ़िया। हम वक्त के हिसाब से अपने अंदर बदलाव करते हैं। तो हमको ये समझना है, बी अवेयर, अवेयर रहना है। यदि हम छोटी छोटी चीजों से परेशान होते हैं तो इस पर हमें वर्क करना है, और वर्क हम जब करेंगे 100% इसके ऊपर जो है, जो हमारा चैलेंजेज है वो चैलेंजेज हमारे खत्म हो जाएंगे। तो बी पॉजिटिव, एटीट्यूड हमें बढ़िया रखना है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आए, अपने एटीट्यूड को डेवलप नहीं कर पाए, निकल गए इस बिजनेस से। क्योंकि लोगों का साथ चाहिए आपको, हर तरह के लोग आपके साथ आएंगे इस बिजनेस में, हर तरह की मानसिक स्थिति का आदमी आपके साथ आएगा और वो हमको ऑब्जर्व करता है। यदि हमारा एटीट्यूड उसको खराब लगा, यदि हम छोटी छोटी बातों में कमियां निकाल रहे हैं, छोटी छोटी चीजों के अंदर यदि हम परेशान हो रहे हैं, लोग हमारे साथ लाइफ नहीं लगा सकते दोस्त। इसलिए मेरी हार्दिक दिल से रिक्वेस्ट है, अपने एटीट्यूड को चेक करें। और सबसे बढ़िया एटीट्यूड को, यदि हमें ये जांचना है कि हमारा एटीट्यूड किस लेवल पे है, किस स्तर पे, तो एक अपना जो, जिसको भी आप अपना रोल मॉडल मानते हो इस बिजनेस में, उसको सरेंडर कर दो अपने आप को। उसको बोलो, सर मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, वो तो मैं हूं, और मैं बदलना चाहता हूं। जिंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, बड़े अचीवमेंट पे जाना चाहता हूं, लेकिन मैं मेरी जिंदगी की जो डोर है वो आपके हाथ में दे रहा हूं। मेरे अंदर बहुत सारी कमियां होंगी इस बिजनेस के लायक, हो सकता है आज मैं नहीं हूं, लेकिन जो भी कमियां हैं वो कमियां आपको बतानी है, मैं उन पे काम करूंगा। जहां जहां भी हम परेशान होते हैं, जिस जिस जगह के ऊपर हम लोगों का एटीट्यूड बिगड़ता है, हमारे अपलाइन को सब पता होता है। क्योंकि एटीट्यूड जब हमारा खराब रहता है तो ऐसा नहीं है हमको नहीं पता तो किसी को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को पता होता है, लेकिन वो बताते क्यों नहीं हमको कि तुम्हारा एटीट्यूड खराब है? क्योंकि उससे हम नाराज हो जाएंगे, उससे हम परेशान हो जाएंगे, उससे हमारा ईगो हर्ट हो सकता है। और यदि हम डेवलपमेंट की तरफ है तो किसी भी एक अपने रोल मॉडल को चयन कर लो जो आपके साथ रहता है। अब आपने चयन कर लिया मेरे गुरु जी श्री देवेंद्र शर्मा जी को, श्री देवेंद्र शर्मा जी आपके पास कब कहाँ रहते हैं? श्री देवेंद्र शर्मा जी से तो आप साल में एक बार मिलेंगे। आपने चयन कर लिया नरसिंह ग्रेवाल साहब का, वो जाके आपसे 6 महीने, 1 साल में एक बार मिलते हैं, वो नहीं सुधार पाएंगे। जो नियर बाई 70% वक्त जो आपके नियर बाई में जो अपलाइन है उसको आप बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें हैं जिनके ऊपर हमको काम करना है। और यदि हम अवेयर हैं, यदि हम अपनी सफलता के प्रति जागरूक हैं, तो 200% हम बदलाव करेंगे। क्योंकि इस धरती पे कोई भी आदमी जो बड़ी सफलता चाहता है और वो बदलाव नहीं करना चाहता, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस बात यह है कि हम दूसरे को सरेंडर कर नहीं पाते और हम अपने आप से ही बात कर रहे होते हैं, मैं सही तो हूं, मेरे अंदर क्या कमी है? दोस्त कमी नहीं है, भगवान ने जब हमें बनाया है, उसे ईश्वर ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने हमको जब बनाया है 100% क्वालिटियों के साथ बनाया है। लेकिन जिस परवरिश में हम लोग पलते आए हैं, जैसी एजुकेशन हमारी रही है, जैसी संगत में हम लोग जलते गए हैं, उसी का प्रभाव हमारे दिमाग के ऊपर पड़ा है। अब जब नई संगत लेंगे तो नया प्रभाव डेवलप हो जाएगा। जन्म से एटीट्यूड खराब किसी का नहीं होता, तो इस पे वर्क करना है। मुझे विश्वास है हम जरूर वर्क करेंगे। तीसरी जो चीज आती है वो आती है टीचेबिलिटी, सीखने की चाहत। अब यदि मैं टीचर हूं तो मैंने बीएड किया है, एमएड किया है, एमए किया है, नेट किया है, जितनी पढ़ाई करी, तो बच्चों को कैसे पढ़ाना है मैंने इस चीज के बारे में सीखा। 2 लाख रुपए हफ्ते के बारे में तो मैंने नहीं सीखा। तो सिंपल, आज मैं जिस भी लेवल पे हूं, जिस भी इनकम पे हूं, जिस भी अचीवमेंट पे हूं, तो मेरे को उतना ही नॉलेज है, मैं उतना ही जानता हूं जितना आज मैं अर्न कर रहा हूं, जो भी आज मेरी अचीवमेंट है। और जिस इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं हम उसी इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। अब यदि सपोज कीजिए आप एक डॉक्टर हैं, हो सकता है आप हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन डॉक्टर हो, बेहतरीन सर्जन हो। तो सर्जन तो आप बेहतरीन हैं, लेकिन सेफ शॉप में डायमंड कैसे बना जाता है, इस बात में तो हमने मारत नहीं कर रखी ना। क्योंकि हर आदमी ऑलराउंडर नहीं हो सकता कि एक आदमी है वो डॉक्टर भी बढ़िया है, टीचर भी बढ़िया है, साइंटिस्ट भी बढ़िया है, और एक पिताजी भी बढ़िया है, एक सफाई कर्मचारी भी बढ़िया है। नो, हर चीज में महारत हासिल नहीं हो सकती। इसलिए जब हम इस बिजनेस में आए हैं तो हमको सबसे पहले
यदि हम एक एडवोकेट हैं, तो हम क्यों हमारी वकालत के एजुकेशन को थोड़ा सा साइड में रख के, और हमको जब हम डायमंड बनने के रास्ते पे निकले हैं तो हमको उसकी ABCD सीखनी पड़ेगी, वो कैसे काम करेगा। क्योंकि यदि डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम है ही नहीं बाहर लोगों से मार्केट में मिलना, वो तो AC में बैठा रहता है, उसके पास चल के पेशेंट आते हैं, वो चेक करता है, और वो जो है यदि कोई सर्जन है तो उसकी सर्जरी कर देता है, और कर करके वो एक्सपर्ट हो गया। तो हमको ये समझना है कि इस बिजनेस से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो हमको सीखनी है। अब सीखने में जो चैलेंज आता है वो कहां आता है, हो सकता है आपका अपलाइन आपकी उम्र में छोटा हो या बहुत ज्यादा बड़ा हो, और हम बहुत इंटेलिजेंट हो, वो हो सकता है बेचारा सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी हो उसने, उसको इंग्लिश नहीं आती हो, हमारा रोज जो काम वो इंग्लिश में ही बातें करना हो। तो हमको कई बार ये लगेगा मैं इतना बढ़िया बीटेक एमटेक स्टूडेंट फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करता हूं, इस आदमी से मैं क्या सीखूं। मेरे दोस्त, इस बिजनेस में जो आदमी यहां आया है 4 दिन यदि हमसे पहले आया है तो वो 4 बातें हमसे एक्स्ट्रा जानता है इस बिजनेस की। हमको सिर्फ वो बातें जाननी है, और जानने के बाद आप अंग्रेजी में बात करिए ना फर्स्ट क्लास, आपके जो लोग हैं उनसे इंग्लिश में बात करिए, मराठी में बात करिए, पंजाबी में बात करिए, सीखना हमको है। क्योंकि बोरी जो खाली होती है आप उसको खड़ा नहीं कर सकते, उसमें कुछ डालना पड़ेगा। तो हम भी यदि खाली है तो खड़े नहीं हो सकते, नॉलेज यदि डेवलप नहीं किया आगे नहीं बढ़ सकते। हम बढ़ेंगे भी तो जिनके पास मार्केट में नॉलेज है वो हमसे उल्टे सीधे सवाल करेंगे, हम उनका जवाब नहीं दे पाएंगे, नहीं जवाब दे पाएंगे तो हम अटक जाएंगे। टीचेबल होना बहुत जरूरी है। मैं लगातार सीखता गया, और सिंपल एक बात मैं जानता था, मैं एक टीचर सपोज करो बच्चों को पढ़ाता है और 20,000 रुपए सैलरी लेता है। अब उसको सपोज कीजिए कि 1,00,000 रुपए पे पहुंचना है, तो क्या वो 20,000 रुपए की एजुकेशन से 1,00,000 रुपए कमा सकता है? नहीं कमा सकता। उसको अपने इस स्तर को, दिमाग के स्तर को तो डेवलप करना पड़ेगा, टीचेबल बनना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल है जब वो सीखने की चाहत रखता हो। हर जगह सीखा जा सकता है, लेकिन एक बात ध्यान से समझना है, किस लाइन पे जा रहे हैं उस लाइन की बातों को सीखना जरूरी है, वरना ये ब्रह्मांड है दुनिया का, सीखने को तो कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी सीखने से काम नहीं चलने वाला है। फोकस चाहिए, फोकस, किस लाइन पे हम लोग जा रहे हैं, जिस लाइन में हम जा रहे हैं उसी से रिलेटेड हमें चीजें सीखनी है। यदि मुझे पहलवान बनना है तो मैं पहलवानी सीखूं, यदि मुझे क्रिकेटर बनना है तो मुझे क्रिकेट की ABCD सीखनी पड़ेंगे, यदि मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे डॉक्टर की एजुकेशन लेनी है, टीचर बनना है तो मुझे टीचिंग की एजुकेशन लेनी है, यदि मैं सिंगर बनना चाहता हूं तो मुझे रियाज उस चीज का करना है, डायमंड बनना चाहता हूं तो जो चीज आपको डायमंड बनाएगी, जो लोग आपको डायमंड बनाएंगे, जो एजुकेशन हमको डायमंड बनाएगी, हमको वो ही एजुकेशन लेनी है। क्योंकि वक्त कम है, लगातार सीखते रहना है। नंबर 2, एक बहुत अच्छी बात जो हर बार मैं ट्रेनिंग में बोलता हूं, 5वीं क्लास को जब हम पास करते हैं, 5th क्लास को जब हम क्वालिफाई करते हैं, तो एक बच्चा जो 5वीं क्लास में है 200 दिन स्कूल जाता है, वो 365 दिनों में से एक एवरेज 200 डे एजुकेशन भी ले रहा है, वो टिफिन भी माँ बाप उसके बना के दे रहे हैं, खाना भी बनाया जा रहा है उसके लिए, हर चीज की व्यवस्था करी जा रही है, और 200 दिन की एजुकेशन लेने के बाद वो आदमी क्या कर पाता है, अगली क्लास का हमें सर्टिफिकेट देता है, इग्नेबल टू नेक्स्ट ईयर। 200 दिन क्लास गया सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेने के लिए, अगली क्लास में पहुंचने के लिए 200 डे। इस बिजनेस की बदकिस्मती है कि यहां आदमी ज्वाइन होते ही 1 महीना 2 महीना 3 महीना प्रयास करता है और बोलता है मजा नहीं आया। बहुत बड़े दावे के साथ मैं एक बात बोलता हूं, जिस तरह से हमने एक क्लास को अटेंड करने के लिए, एक क्लास को कंप्लीट करने के लिए 200 डे क्लास के जो सेशन लिए थे, तो हमने सिर्फ एक क्लास क्वालिफाई करी थी। इस बिजनेस की 200 डे यदि क्लास ले ली जाए तो भाई साहब 2,00,000 रुपए हफ्ता की जो एजुकेशन है वो आपको मिलती है, और 200 डे क्लास
आपको क्वालिफाई कर देती है कि आप 2 लाख रुपए हफ्ता कमाएं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आए, कोई टीचर था, कोई डॉक्टर था, कोई पुलिस वाला था, कोई एडवोकेट था, कोई बेचारा सब्जी बेचने वाला था। हर बिजनेस का आदमी यहां सफल क्यों है? क्योंकि वो जिस भी इंडस्ट्री से आया है, वो किसी भी इंडस्ट्री से आया हो, लेकिन यहां आके जब वो लगातार सिस्टम को फॉलो करता गया, लगातार अपलाइन की बात को मानता गया, लगातार कंटिन्यू जो है जो बेसिक जो इस बिजनेस के हैं उनको समझता गया, उन चीजों को समझा, रास्ते खुलते चले गए। तो लगातार हमने अपने को डेली 1 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा मिनिमम कम से कम एक नया सॉफ्टवेयर तैयार करना है जो हमको उस अचीवमेंट पे लेके जाए, उस इनकम पे लेके जाए, उस सम्मान की तरफ लेके जाए, उस सपने की तरफ लेके जाए जो सपना देख के इस बिजनेस को हमने ज्वाइन किया है। बी टीचेबल, टीचेबल हमको हमेशा रहना है। नंबर 3 बात, एक छोटी सी बात जिसका सारांश बहुत बड़ा है जो मेरे गुरु ने बताई, काम पर मेहनत करी तो हम केवल जीविका बनाएंगे और अपने आप पे यदि मेहनत करी तो जिंदगी बनाएंगे। काम पे मेहनत करी तो आजीविका बनाएंगे। जिस काम को आप करना जानते हो उसके ऊपर यदि हमने काम किया, आजीविका का साधन है वो सिर्फ, लेकिन अपने आप पे यदि काम किया तो इसका मतलब जिंदगी तैयार होती है। दुनिया में जितने बड़े बड़े मिरेकल हुए, दुनिया में जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन आए, उन सब लोगों ने अपने आप पे काम किया है। सचिन तेंदुलकर नहीं था, विराट कोहली नहीं था। उन लोगों ने जब इंडस्ट्री को चुना तो चुनने के बाद वो पहले दिन क्रिकेट के भगवान नहीं थे। कोई भी आदमी, अमिताभ जी पहले दिन अमिताभ जी नहीं थे, लता मंगेशकर जी पहले दिन लता मंगेशकर नहीं थी, उतने सुरीले गुर पहले दिन नहीं गाती थी। दुनिया के किसी भी आदमी का जिसका आप रेस्पेक्ट करते हो, उस आदमी के पहले दिन को आप चेक करो, क्या वो जैसा आज है, क्या वो पहले दिन था? नहीं था। लेकिन टीचेबिलिटी, सीखने की चाह ने उसको लगातार कंटिन्यू, लगातार परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ाया, लगातार अचीवमेंट की तरफ बढ़ाया, और वो अचीवमेंट पे बढ़े ही इसलिए क्योंकि वो टीचेबल थे। कैप्टन बनने के बाद महेंद्र सिंह धोनी जी भी ये सोच रहे थे कि अब जरूरत क्या है मेरी सीखने की, तो आज वो बड़े अचीवमेंट पे नहीं होता दोस्त, वो लगातार कंटिन्यू सीखता गया, टेक्निक सीखता गया, तो आज माई के नाम से फेमस है। तो दोस्त सीखना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं H फॉर ऑनेस्टी की, ईमानदारी। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते जाते हैं लेकिन अपने आप के प्रति ईमानदार नहीं होते, सिस्टम के प्रति ईमानदार नहीं होते, कंपनी के प्रति ईमानदार नहीं होते, अपने वर्क के प्रति ईमानदार नहीं होते, अपने पेरेंट्स के प्रति ईमानदार नहीं है, अपने परिवार के प्रति ईमानदार नहीं है। सर, जिंदगी बनाने के लिए आए हैं, अपना जितना भी वक्त हमको मिलता है उस वक्त को 100% दें। उस वक्त में यदि 3 घंटा भी दिन का मिलता है हमको तो 3 घंटा 100% ऑनेस्टी के साथ उस समय में को हम जो है बिताएं इस बिजनेस में। आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, इस पे टाइम नहीं चलेगा। आज किया फिर 15 दिन नहीं किया, आज किया फिर 1 महीना नहीं किया, नो, ऑनेस्टी के साथ लगातार कंटिन्यू काम करना है। नंबर 3, जब हम किसी को कमिटमेंट करते हैं, जब हमने किसी को यह बोला कि मैं भैया 8 बजे पहुंचूंगा, तो हमारा कमिटमेंट क्या होता है? क्या हम वहां अपनी ईमानदारी निभा रहे हैं कि मैंने जो वादा किया उसको मुझे पूरा करना है? क्या हम ये ईमानदारी निभाते हैं कि आज मैंने 5 इनविटेशन करने हैं? क्या हम इस बात के लिए ईमानदार हैं कि लगातार कंटिन्यू मुझे अपने अपलाइन को रिपोर्ट करनी है? क्या हम इस बात के लिए ईमानदार हैं कि मैं रोज पढ़ाई कर रहा हूं? क्या मैं इस बात के लिए हम ईमानदार हैं कि हम अपने सपने, जिन सपनों को देख के इस बिजनेस में आए हैं, उन सपनों को मुझे पूरा करना है? 90% लोग अपने सपनों के प्रति ईमानदार नहीं होते, अपने आप के प्रति ईमानदार नहीं होते, अपने कर्म के प्रति ईमानदार नहीं होते। जिस चीज के प्रति हम ऑनेस्टी नहीं है तो क्या वो चीज हमें मिलेगी? सवाल मेरा है, सोचना आपने। H फॉर ऑनेस्टी के बाद अगला जो आता है वो आता है 8 कदम। 8 कदम, 8 का दम। अब तक जो हमने डिस्कशन किया वो एक रास्ते पे डिस्कस किया, PATH, P फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी और H फॉर ऑनेस्टी। ये रास्ता है जो हमारी मंजिल को तय करेगा, जिस पे हम जाएंगे, जिसके ऊपर हमें चल के जाना है। 4 चीजों का हमको ध्यान रखना है, मुझे विश्वास है आप 100% ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं उस दुनिया में, उस सार में जिसने
सेफ सोप के अंदर हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बदला। क्या है वो आठ कदम?